हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर अनिल भतीजा जो कि है डायरेक्टर यहाँ के। वो हमें बताएंगे कि उनके क्या विचार है ये भव्य मंदिर और गुरुद्वारा और सत्संग बनाने के पीछे। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जो इतना आलीशान गुरुद्वारा और मंदिर और बनाया है, उसके पीछे आपकी क्या सोच थी और क्या विचार थे? आप कभी भी रीजेंसी ग्रुप का कोई भी प्रोजेक्ट देखेंगे तो हम मंदिर हमेशा बनाते हैं। ये प्रोजेक्ट बहुत पहले ही भव्य है, तो उसमें हमारा गुरुद्वारा रखने का विचार इस वजह से हुआ कि गुरुद्वारा एकता का प्रतीक रहता है। आज हमें हिंदुस्तान में एकता के हिसाब से करने के लिए एकता की होनी चाहिए, एकोंकार सतनाम। गुरु ग्रंथ साहिब में पहले अक्षर यही आते हैं, इसका मतलब है एक ही है परमात्मा। और हमारा विचार यही है कि सब एक होके चलें हमारे हिंदुस्तान में। इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर भी गुरुद्वारा बनाया। वैसे मंदिर तो हम मंदिर भी बनाया है और भव्य गुरुद्वारा भी बनाया है। और यहाँ पे गुरुद्वारे में सभी धर्म जाति कोई भी आ सकता है, गुरुद्वारे में किसी को मना नहीं रहता। आज ये बहुत ही सुंदर एंटीलिया में गुरुद्वारे का उद्घाटन हुआ है। गुरु महाराज की कृपा सबों पे रहे, साथ में ठाकुर जी की मंदिर का भी उद्घाटन हुआ है और ये एंटीलिया वासियों के लिए बहुत ही शुभ और पवित्र है और सबका जन्म सफल हो। और जो हमारे महेश भाई अग्रवाल और उनके साथियों ने जो बहुत बड़ा कार्य किया है, हमारे शुभ आशीष। हरे कृष्ण। कि आप सभी इस प्रोजेक्ट की विजिट करिए और इस सुंदर माहौल का आनंद भी लें। और दूसरा इसके पीछे कारण है कि हमारे कंपनी के CMD श्री महेश जी अग्रवाल, उनकी उल्लासनगर कर्म भूमि है, तो उल्लासनगर के लिए उनके मन में एक अलग ही लगाव है, तो उसके चलते उन्होंने इसमें अपना दिल से इस प्रोजेक्ट को बनाया है और इसमें जो हो सकता है वो बेस्ट पॉसिबल करते जा रहे हैं, तो उसी का एक पार्ट ये भी है।